ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कसोले इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सनबारा का 13वां वार्षिक स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पद्मश्री अजय ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल का सालाना समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले मैदान में मास पीटी योग जिम्नास्टिक्स में विद्यार्थियों ने खूब करतब दिखाया। स्कूल के MD हीरा ठाकुर व प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव मैनरा ने मुख्य अतिथि अजय ठाकुर समेत अन्य मेहमानों को शॉल व टोपी के साथ सम्मानित किया। कसोले इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सनवारा का 13वां वार्षिक स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पद्मश्री अजय ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल का सालाना समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले मैदान में मास पीटी योग जिम्नास्टिक्स में विद्यार्थियों ने खूब करतब दिखाए। 100 के करीब छात्रों द्वारा किया गया कराटे का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। कराटे के प्रदर्शन के दौरान आग के गोलों से कूदते छात्रों और उनके ऊपर से गुजरती बाइक को देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। शारीरिक बलिष्ठता के प्रदर्शन के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर दीप प्रज्वलन व गणपति बंदना के साथ शुरू हुआ। स्कूल के MD हीरा ठाकुर व प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव मैनरा ने मुख्य अतिथि अजय ठाकुर समेत अन्य मेहमानों को शॉल टोपी के साथ सम्मानित किया। मुख्य अतिथि अजय ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि आज के युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि वे भविष्य में कुछ बन सकें। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। अभिभावकों को भी स्कूल या अध्यापकों पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर खुद भी नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वो गलत संगत में ना पड़े। अजय ठाकुर ने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों में अव्वल रहने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर स्कूल के MD हीरा ठाकुर, स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव मैनरा, राजेंद्र ठाकुर, प्रेम ठाकुर आदि दर्जनों गणमान्य उपस्थित रहे। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसको सोसाइटी चेक करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि टीन एज में बच्चे ज़्यादातर बिगड़ते हैं। ये 16 से 17 18 साल तक की उम्र एक ऐसी है कि जिसमें बच्चे ज़्यादातर मतलब नशे की चपेट में आ जाते हैं। पेरेंट्स से बच्चों के माँ बाप से यही कहना चाहूँगा कि इस एज में अपने बच्चों का ध्यान रखें, रेगुलरली चेक करें, उसके स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, उसको रेगुलरली चेक कीजिए, उनके टीचर से बात कीजिए कि हमारे बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया हो। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरल है कि आप इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अजय जी, देखिए इसके लिए ये बहुत बड़ी लीग है, इसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। फाइनेंशियली जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होगा वो नेचुरल है कि आपके पास अगर फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप टीम खरीद सकते हैं, है ना। तो हो सकता है कि अगले नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट अभी जब कभी किसी को लगे कि फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मुझे कबड्डी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जरूर ऐसा एक दिन आएगा कि हिमाचल की भी प्रो कबड्डी में टीम होगी। देश व प्रदेशवासियों को एस टूडे परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टूडे के साथ। नमस्कार।